Assalamu alaikum everyone, this is Rana Asad from Rawalpindi. Today I'm going to unbox the new Oppo A76 with 33W superboot charging, 90Hz punch hole display, Snapdragon processor and 6GB RAM with 5GB RAM expansion. So stay with me and watch the full review. तो गाइस जल्दी से करते हैं हम फोन को अनबॉक्स और देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर कलर्स को। तो इसके अंदर आपको दो कलर्स देखने को मिल जाते हैं, एक जो सा है वो मिलता है इसके अंदर आपको ग्लोइंग ब्लू, जिसके अंदर आपको डिफरेंट कलर का शेड देखने को मिल जाता है, गोल्डन प्लस पिंक प्लस पर्पल और काफी कलर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल कलर की बात करें तो नो डाउट काफी अच्छा और अट्रैक्टिव कलर है। सेकंड कलर की बात करें तो सेकंड कलर इसके अंदर आपको ग्लोइंग ब्लैक कलर मिलता है, ये थोड़ा मैट डिजाइन के अंदर है और नो डाउट ये काफी अट्रैक्टिव भी है और काफी जो सा वो डिसेंट लुक आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो सा ये एंटी फिंगरप्रिंट भी, आप इसके ऊपर अगर फिंगर्स लगाते हो तो आपके फिंगर्स के निशान भी इसके ऊपर नजर नहीं आते। सो गाइस हियर वी हैव द बॉक्स ऑफ ओप्पो A76। पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो है 6GB 128GB के साथ। और अगर हम बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी लुक देखने को मिल जाती है। कॉर्नर पे आपको मिल जाता है ओप्पो का लोगो और यहाँ पे 6128GB लिखा हुआ मिल जाता है। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे सिंपल जो सा A76 ही लिखा हुआ है। बैक साइड पे आपको मिल जाता है 33W सुपरबूक, उसके साथ साथ आपको मिल जाता है 5000mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी। और इसके साथ जो इसमें सबसे अच्छी चीज जो मुझे भी पसंद आई है, 90Hz का कलर रिच पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था दो वेरिएंट आए हैं, ग्लोइंग ब्लू और ग्लोइंग ब्लैक। तो हम जो सा वेरिएंट बॉक्स करने जा रहे हैं वो है ग्लोइंग ब्लैक। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो गाइस बॉक्स हमने कर लिया है ओपन। सबसे पहले आपको यहाँ पे जोन सा है एक ये वाला पार्ट देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको मिल जाता है सिलिकॉन का केस जो देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है और क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छा है। इसके साथ आपको मिल जाता है कुछ पेपर वर्क और साथ में आपको मिल जाती है सिम इंजेक्टर पिन। चलते हम इसके अगले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिलती है ओप्पो A76 की डिवाइस, इसको हम बाद में ओपन करेंगे, पहले हम इसका नीचे वाला पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर आपको जोन सा है वो मिल जाता है 33W सुपर वूक एडॉप्टर। इसके अंदर बेसिकली होता इस तरह से है कि आपको फास्ट चार्ज 33W के हिसाब से देता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो सा वो 5 सेफ्टी लेयर्स जो वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर यूज की गई है वो आपको देखने को मिल जाती है। आपका फोन हीट अप नहीं होगा, किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये देखने में इस प्राइस के अंदर जो सा वो काफी अच्छा जो सा ऑप्शन आपको ओपन प्रोवाइड कर दिया। सो गाइस यहां पर आ गई है ओप्पो A76 की डिवाइस। तो गाइस जो हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं फोन वो है ब्लैक कलर, ग्लोइंग ब्लैक कलर है, काफी अट्रैक्टिव है, नो डाउट आपको काफी अच्छे शेड देखने को मिल जाते हैं। आपको ब्लैक लुक भी देता है और ग्रे लुक भी आपको देखने को इसके अंदर मिल जाती है। तो जल्दी से हम इसको फोन को करते हैं ऑन। तो गैस फोन का सेटअप हमने कर लिया है फाइनल और अब हम चलते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो यार यहाँ पे आपको जो सा वो बड़ा अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 1612x720 रेजोल्यूशन के साथ प्लस 90Hz का जो सा वो रिफ्रेश रेट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। काफी ज्यादा स्मूथ है, ओवरऑल यूज करने में आपको काफी अच्छी फीलिंग जो सा वो देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं हम इसके स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे आपको मिलता है 6.56 का सिंगल पंच होल डिस्प्ले जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ है। तो चलते हैं हम इसके फर्दर स्पेसिफिकेशन की तरफ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये 6GB वाला वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ है, प्लस इसके अंदर जो सा वो आपको रैम एक्सपेंशन का जो सा ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो गाइस यहां पे आपको 6GB रैम के साथ जो सा वो 5GB रैम एक्सपेंशन भी देखने को मिल जाती है। सेटिंग में जाएं, अबाउट फोन में जाएं, यहां पे आपको रैम एक्सपेंशन का जो सा वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपनी रैम जो सा वो एक्सटेंड कर सकते हैं, 6GB के साथ आप 2GB भी यूज कर सकते हैं, 3GB भी यूज कर सकते हैं और 5GB भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। जस्ट सेलेक्ट एनी ऑप्शन एंड रीस्टार्ट योर फोन एंड एंजॉय द अनलिमिटेड रैम। तो गाइस अब हम बात
कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो सबसे पहले हम इसकी वेट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 189 ग्राम का वेट। प्लस थिकनेस की बात करें तो आपको काफी स्लिम फोन देखने को मिल जाता है। ये आपको जो है वो 5000 mAh बैटरी के साथ 8.39 mm थिकनेस में देखने को मिल जाती है। अब हम चलते हैं इसके बाकी स्पेक्स की तरफ। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यार नो डाउट काफी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, और काफी लाइट वेट फोन है। ओवरऑल हैंड ग्रिप इसकी काफी अच्छी है, हैंड फील आपको काफी अच्छी आएगी इसकी। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इसके अंदर जो है वो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। ये आपका पावर बटन भी होता है और यहीं से आप फोन को अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो है वो फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं लास्ट में इसकी प्राइस की। तो ये आपको जो है पाकिस्तान में 36,999 में जो है वो अवेलेबल है। तो इस प्राइस सेगमेंट में जो है आपको काफी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आई विल रिकमेंड A76 इन अ हैंडसम प्राइस। बात करते हैं हम इसके प्रोसेसर की। तो इसके अंदर आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 680 जो 6 नैनोमीटर पे काम करता है। यार ये आपको इस प्राइस सेगमेंट में जो है वो काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। चलते हैं कुछ साइनेमेटिक्स की तरफ, क्योंकि जाहिर बात है यार एक फोन की अनबॉक्सिंग हो और साइनेमेटिक्स ना हो तो फिर मजा नहीं है। बड़ा परेशान बैठूं, अनबॉक्सिंग तो कर ली है 76 की, लेकिन अब ये तो कौन सा है? नया कट्टा खुल गया, अब देखते हैं क्या बनता है, दिखाते हैं आपको। ओ भाई एडा वड़ा पिज़्ज़ा, ओ माय गॉड, ये ओ ये कौन खाएगा ये? एक दो तीन ओपो।